अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो एक पैन लिया है और उसमें मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें ऐड किया है मैंने चिकन, 100 ग्राम चिकन है और इसको फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, स्पेशल बच्चों के लिए। इसे आप बच्चों को बना कर दें, बहुत शौक से खाएंगे। स्पेशल आप लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करिए लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है मसालों के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, 1/2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर रख दूँगी मैं इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर और इसे अलग निकाल लेंगे। ब्रेड पीसेस लिए हैं मैंने 2 अदद। तो अब हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस पर केचप भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब ये चिकन के पीसेस मैं इस पर रख दूँगी। और ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, वो इस पर लगाएंगे हम। चीज़ लगाने के बाद इस पर हम रखेंगे कुछ वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से वो रख सकते हैं। मैंने इस पर लगाई है शिमला मिर्च और ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स। तो देखिए चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा हमने रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने दूसरा चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे। एक पैन पर हम हल्का सा बटर लगाएंगे और इस पर ये चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा रख देंगे और इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, चीज़ इसकी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। पैन पर हम बटर लगाएंगे हल्का सा और दूसरा ब्रेड भी रख देंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पर चीज़ को मेल्ट होने तक के लिए रखेंगे 5 मिनट तक के लिए। तो ये देखिए चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।